दबाना बंद फौज कर अभी हम कुट्टी गांव में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे पहुंचे आप गांव कुट्टी, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा है। यहाँ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं आप बाहर कैमरा खुल बंद कर चो चलो 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 बोले
जय शंकर। चलो चलो क्या भाई ये बताओ कैसे कुकती के बारे में बताओ भाई यहाँ से। ये है ना मेरे यहाँ कुकती अपर कुकती हमारे स्थानीय गार्ड है भाई सभी रेस्ट फरमा रहे हैं। हो चुके हैं थोड़ा सा अपडेट हो चुके हैं थक गए भाई क्या हुआ अभी नहीं थके पहुंचे कहाँ पर अभी अभी तो हम फिर अर्धलोट्टू में स्नेची है काफी 2 किलोमीटर हाँ तो बस लास्ट मिनट पे थोड़ा सा फिर हम स्थानीय गाइड हैं पानी लेने दिन तो सुबह तो लगी आकर घने जंगल सतपुड़ा के घर घने जंगल शाम के अभी 6 बज चुके हैं क्या बताना चाहेंगे आप क्या लगता है आपको कितने बजे पहुंच जाएंगे आप और मणि महेश तक कब तक पहुंच सकते हैं हम अच्छा बिल्कुल ही कोई जल्दी नहीं है आराम के साथ सब कुछ कोई थकावट भी आदत नहीं हुई अभी भी अभी तो बिल्कुल ठीक है फ्रेश फीलिंग है अभी तो मजा बहुत आ रहा है चलो जय बोले यहाँ पर एक जल स्रोत हुआ करता था और अभी है पानी इसमें लगता है पानी बहुत ही कम है
जैसा कि देख सकते हैं आप, बड़े बड़े कैमरों से विसर्ति खींची जा रही है। सीना पड़ चुका है बड़े ज्यादा जबरदस्त, आंखें भी लाल हो चुकी है। काली घटाएं गिर चुकी हैं। ओ, लगता है मिस्टर भटकोन का कुत्ता मिल गया है खोया हुआ। दो साल पहले, पिछले साल भी हुए, पिछले साल भी, पिछले साल। नमस्ते 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 नमस्ते। हो लगता है पहचान गई है हमें, लगता है पहचान गई है हमें ये पिछले साल। तीन त्राज रोज रोज रहे पिछले साल है। बहुत ही अच्छी फीलिंग है यहाँ पर। हम और मेरे बेटे, मेरा कुत्ता, देखो जय वलका कुत्ता है। चस माय पिट, भाई रुक जा, देख लीजिए कुदरत को, निहार लीजिए जी भर के। खड़े काफी काफी सालों से इसकी तलाश हो रही थी, अब जाके ये हमें मिल चुकी है। चलो कम ऑन। तुम्हें फीलिंग लेते हुए काफी अच्छी, काफी अच्छी शुद्ध हवा, रट्टू की फीलिंग। जूरी जूरी कम ऑन जूरी। कुछ ही दूरी पर हमारी मंजिल भोलेनाथ की नगरी, सामने उस पहाड़ को क्रॉस करेंगे हम जो अभी धुंध में है। देख सकते हैं आप, पिछले साल की भांति इस बार फिर इसी में हम रात काटेंगे। और आधा गिर चुका है ये तो। आ
ब्लैक टी का। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, कई दिनों के बाद एकांत में रहने को मिला मेरे को। थोड़ा सा अपडेट हो जाए। बहुत ही अच्छी है फीलिंग यहाँ पर। तो आज रात हमारा यही कैंप लगेगा। कैंप लगेगा। रिलैक्स हो के ठीक रहता है जरा। वतन मेरे आबाद रहे तू। फौजी भी नहीं, इन्नी दारा भी होंदे न पुरा में। ओ ई टेंपरेचर पे है थोड़ी कारगिल पूरा। खाने हे तू अच्छी आई रख दी तूने। वतन ए वतन आबाद रहे तू। रहे तू। आगे आगे नहीं आते मेरे को। आगे तो मेरे को भी नहीं आते। थोड़े थोड़े आते मेरे को। आज सो की गाना लग रहा हो ना आज चा पूरा गवाई ले फिर तक स्टेप सामने लांदे तो अड्डो गाना गाने गाड़े लगेंगे सब कुछ होएगा। गाना भी होगा बारात भी होगी। हमारे साथी आ गए हैं लकड़ को लेके। आप देख सकते हैं बहुत बुआरे हैं, मेहनती बंदे हैं, बहुत ही मेहनती हमने कारीगर रखे हैं। कारीगर रखे हैं। बहुत ही बड़े बड़े पौधे लेकर आए हैं। लगता है कि बेचने का मूड में है ये लकड़ को। देखो मुख बड़े आए लकड़ी नया नंबर लाना है ना। घोड़े भी हैं पर मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ही शानदार घोड़े हैं। तो चाय बन रही है अभी हमारी। ग्रीन टी। बहुत ही मेहनती युवक आ रहे हैं हमारे। बहुत ही मेहनती है इन्होंने। अच्छी बड़ी मेहनत की हुई है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को भी। लगता है फुल नाइट इनका जागने का प्रोग्राम है आज तो है। ये हमारे पुराने योद्धा जी देख सकते हैं आप। सूखी सूखी लकड़ी आ चुकी है। बहुत ही शानदार। और मानी मानी में मुस्कुरा रहे हैं जो कि हमारे आज के गाइड हैं। इन्होंने ही आज हमारा कैंप सेट किया है। यहाँ पर साज बढ़ रही है। यहाँ पर मात्र हम इस खिंद में सोएंगे आज। कैंप फायरिंग के लिए सामने कार्तिक टेंपल है और मुरारी माता जी का भी। रहने दे वैसे ये है तू सब समझ नहीं करता। तो सिख हरो दरिद्र हरो नमामि भोले बाबा शंकर। बस बस कर भाई। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। जय बोले। जय शंकर। आज हम शिव जी की गुफा की ओर जा रहे हैं। 20 सितंबर 2019 है। क्या प्रकार से कहना चाहोगे कि क्या इस तरफ लगाए जहाँ हम जाएंगे जहाँ जा रहे हैं हम। सामने पहाड़ी दिख रही है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? बारिश हो रही है अभी? हाँ नहीं थोड़ी थोड़ी हो रही है अभी। बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। वैसे धूप ही लगने वाली है। आसमान भी साफ हो गया है। आने की जय। कार्तिक स्वामी की जय।
क्या लगता है आपको बारिश का? बारिश के आसार पर विकास टल चुके हैं और मौसम फिर से एक बार खुशनुमा खुशनुमा दिखाई दे रहा है। ये और बड़ा बंगाल के लिए यात्रियों ने एक बार फिर कमर कस ली है अगले पड़ाव के लिए जहाँ चाहूँगा कि हम कौन सा पहाड़ क्रॉस करेंगे। ये जो बर्फ वाली पहाड़ियाँ दिख रही हैं बीच में और हमारे साथ जूली भी चल पड़ी है एक बार फिर से। चल जूली चल ना ना ले गाने ले जाएंगे अपना। हाँ ठीक है।